नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट छंडिया। लोकसभा चुनाव 2019 का दौर चल रहा है, छठे चरण का मतदान हो चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की एक पीठासीन अधिकारी वायरल हो रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद से ही सोशल मीडिया पर पीली साड़ी पहनी एक पीठासीन अधिकारी की तस्वीरों को लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। लोग उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए हैं, और इतना ही नहीं, लोगों ने उनका टिकटॉक अकाउंट भी ढूंढ निकाला है। टिकटॉक से आए उनके कई वीडियो भी अब सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ज्यादातर वीडियोस में वह डांस करती नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि वे आम पीठासीन अधिकारी से अलग है। पोलिंग बूथ से अपने वीडियो टिकटॉक पर डालने के बाद कई लोगों ने उनकी तलाश की। पोलिंग बूथ से रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो में वे पोलिंग बूथ की फाइलों को हल्के अंदाज में हंसी मजाक करते हुए जांच रही हैं। इसकी जमकर लोगों ने आलोचना की है। अब उन्होंने सामने आकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मेरा नाम रीना द्विवेदी है, मैं देवरिया की रहने वाली हूँ, अभी लखनऊ में रहती हूँ। वहाँ मैं लोक कल्याण विभाग PWD कार्यालय में काम करती हूँ। उन्होंने आगे बताया, उस दिन मेरी ड्यूटी मतदान अधिकारी के रूप में नगराम क्षेत्र में लगी थी। उस समय की EVM के साथ मेरी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उस दौरान मैं अपने मतदान केंद्र जा रही थी, तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने मेरी तस्वीरें खींच ली। रीना सोशल मीडिया में पहले भी काफी मशहूर है। वह आमतौर पर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में डालती रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट इंडिया की खबर।